स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाग्यलक्ष्मी। हेलो वैष्णवी, वैष्णवी पाटीदार मैम, आपने मेरी मेहंदी नहीं देखी, सॉरी। सो आज का जो डिज़ाइन है कुछ फैंसी और कुछ डेलिकेट क्रिएशन है। लेट्स स्टार्ट। या ब्लर क्लियर। ब्लर आ रहा है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। क्लियर। आज की जो डिज़ाइन है, आज का जो वेरिएशन है, थोड़ा सा डेलिकेट है। बोल्ड बॉर्डर करने के बाद एक अपसाइड एक डाउनसाइड लाइट बॉर्डर। आज के जो स्केलअप की जो लाइन है वो हम जो रेगुलर बेस पे जो स्केलअप क्रिएट करते हैं वैसे स्केलअप नहीं करके थोड़ी सी बिग साइज में स्केलअप बनाने हैं। जिसको भी बहुत ज़्यादा जल्दी है वो वीडियो से लेफ्ट हो सकते हैं।
डबल स्केलअप की लाइन सेंटर पोर्शन से फ्लावर ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले स्पाइरल बनाना है थ्री लाइन का। देन स्कैलप, सिंगल स्कैलप की लाइन, देन डबल स्कैलप की लाइन, एक फिंगर जितना डिस्टेंस रख के अगेन स्पाइरल ड्रॉ करना है। सी वन फिंगर जितना डिस्टेंस। स्पाइरल ड्रॉ करके डबल स्कैलप की लाइन, देन डॉट बिग साइज के जो डॉट है वो आपको थोड़े से हल्के हाथों से आपको प्रेशर से आपको कोन को हल्के हाथों से प्रेस करके फिर आपको डॉट क्रिएट करने हैं। स्मॉल डॉट नहीं है, थोड़े से बिग साइज के हैं। देन हाफ टर्न अकॉर्डिंग टू फ्लावर, जितना भी फ्लावर का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको हाफ टर्निंग पोर्शन पे एक बॉर्डर क्रिएट करना है। अगेन डार्क बॉर्डर क्रिएट करना है।
सिंगल लाइन, देन डबल लाइन, देन अगेन स्कैलप की लाइन, अपसाइड स्ट्रेट पोर्शन में स्कैलप, देन थ्री लीव्स क्रिएट करनी है, नेक्स्ट डॉट देन सेंटर पोर्शन से वन फिंगर जितना डिस्टेंस रख के, दो लाइन क्रिएट करनी है, लेफ्ट एंड राइट। अगेन तो टोटल हमारी थ्री लाइन्स हो गई, 1 2 3, 1 2 3, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, देन स्कैलप, डबल स्केल अप, डिजाइन बहुत ही यूनिक लगने वाली है, देन बहुत अच्छी है। राइट साइड में हमने एक स्टेप कंप्लीट किया है, तो लेफ्ट साइड में भी हम डबल स्केलअप की लाइन के साथ ये स्टेप पूरी कंप्लीट करेंगे। देन
क्रॉस में जो कॉर्नर पॉइंट है वहां से एक लीव्स ड्रॉ करनी है, राइट एंड लेफ्ट डाउन साइड, लाइन डॉट देन जो आउटसाइड एरिया है इसको हम फील करेंगे। ये स्टेप आपको पहले ही फॉलो करनी है बिकॉज हम लोग आउटसाइड यहाँ पे भी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। सो आउटसाइड डिज़ाइन बनने के बाद ये जो एम्प्टी पोर्शन है वो आपका फील नहीं हो पाएगा। इतना पोर्शन आपको पहले ही कंप्लीट करना है। देन यहां से एक स्पाइरल ड्रॉ करना है। Then scale up. Random shape, three petals के साथ डबल दो पेटल्स के बीच में सेकेंड स्टेप देन यहां से स्ट्रेट नहीं लेना है, क्रॉस पॉइंट डॉट स्कैलप थ्री पेटल्स के साथ रैंडम शेप स्पाइरल देन स्केल अप की लाइन
इस तरीके से पहले इतना आपको सेटअप करके पहले इसको फिल आउट करेंगे, देन बाकी का जो भी वर्क है वो हम बाद में करेंगे। सो क्रॉस लाइन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कॉर्नर। बहुत ही नाइसली एंड फाइन लाइंस आपको क्रिएट करनी है। डिस्टेंस सारी लाइन का एग्जैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। देन राइट साइड में कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करना है। अभी ब्लर नहीं है, अभी तो बराबर है। ये फैंसी मेहंदी है, फैंसी पार्टी मेहंदी इसको बोल सकते हैं, डेलिकेट लुक है थोड़ा सा। यू कैन यूज इन मेहंदी फंक्शन ऑल्सो। फोर सिक्स पाम टू फोर और सेवन, सेवन फिंगर जितना जो पोर्शन है हमारा वो ही हैवी वेरिएशन रहेगा। इसको टोटली हैवी क्रिएट करना है। देन हम आगे के स्टार्टअप में कुछ चेंज करेंगे। समथिंग यूनिक। पहले स्टेप बाय स्टेप आपको चेक्स क्रिएट करने हैं, बारीक, बिग साइज नहीं यूज करनी है। पोर्ट्रेट का भी फ्री सेशन रखिए। यस, अभी हमारा 15 डेज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ एवरी मंथ में करेंगे। सो धीरे धीरे
सुपर लुकिंग समथिंग डिफरेंट यस देन अभी सबसे ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम इतने सारे जो बॉक्सेस है वो सबको फील करना है पहले मैं इसको फील कर लेती हूँ, फिर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपसे बात करूँगी ना तो मेरा एक बॉक्स इधर गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ आपका भी होगा। अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डिज़ाइन। आप बहुत ही मस्त सिखाते हो इसलिए और भी सीखने का मन होता है। थैंक यू। फील हो गया। अभी ये कितने फिंगर्स की डिज़ाइन है? ये हमने पाम से लेके हाफ एंड जितना मतलब 7 फिंगर्स जितनी डिज़ाइन है। हाफ एंड नहीं है, 7 फिंगर, पाम टू 7 फिंगर्स। जिल्कास ब्यूटी केयर, आपने कल मुझे रीमेंशन नहीं किया। हाँ आप, मैंने रीमेंशन नहीं किया बिकॉज़ आपने अपना कुछ क्रिएशन नहीं किया था। सो जो मैंने लाइव सेशन में बताया था उसी का फ़ोटो लेके आपने मुझे टैग किया था, तो दैट्स व्हाई आपको बनाना है देन फिर मेंशन करना है। मैंने ये हैंड का शेप एक्रेलिक हैंड से ड्रॉ किया है। ये चिक्स को फील करना काफ़ी हार्डवर्क वाला काम है। देन अभी बॉर्डर को क्लियर करना है। ब्लर नहीं है,
बहुत ही अच्छा पैटर्न है। जिनका ब्लर है अब उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, अब मेरे साइड से ब्लर नहीं है। डाउन टू अप जिगजैग शेडिंग, जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। और मुझे नेहा कक्कड़ की बहुत अच्छी लगती है। ये जैसे जैसे मेरा हैंड मूव आउट हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम होगा ब्लर का। आप सब लोग को दोबारा भी लाइव सेशन में ज्वाइन होना है ना। आपकी वॉइस नेहा कक्कड़ के जैसी है, नाइस जोक। ब्लर हो जाता है बार बार वही चीजें, मैं जैसे जैसे हैंड को मूव कर रही हूँ डिजाइन के लिए, सो इसी वजह से कुछ हो रहा है। अभी कंटिन्यू में लाइव रख के आप लोगों को बोर बोर नहीं करना चाहती हूँ, सो हम वापस से कुछ लाइव प्लान करेंगे, कमिंग विद द न्यू टेक्निक, न्यू क्रिएशन, समथिंग यूनिक। बट अभी 15 डेज का जो है, पहले वो सेशन ख़त्म हो, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइव सेशन फिर से प्लान करेंगे। फिर से आ जाना आप लोग सब। वेटिंग वेटिंग, थैंक यू। हम जब भी लाइव रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, 15 डेज का आपने लाइव देखा है, सो मेरा लाइव बोरिंग नहीं रहता है। सो कभी भी जब भी हमारा लाइव सेशन रहेगा, कुछ ना कुछ यूनिक रहेगा, कुछ ना कुछ समथिंग डिफरेंट ही रहेगा। बट अभी ज़्यादा दिन लाइव नहीं कर सकते बिकॉज़ मेरी 5, 6, 6 फेब के बाद सारी मेरी ब्राइडल स्टार्ट होने वाली है। वेडिंग सीजन है दिस मंथ। यस, पोर्ट्रेट सेशन रखेंगे बहुत जल्दी हम। बट अभी फिलहाल मैंने 15 डेज जो सिखाया है, पहले आप वो अच्छे से करो। मैम आपके जैसे फ्री लाइव में इतने डेट वेरिएशन कोई नहीं सिखाता, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट।
पता कैसे चलेगा आप लाइव आने वाले हो? अभी कैसे पता चला था कि मैं लाइव आने वाली हूँ? वैसे ही नेक्स्ट जब भी हमारा लाइव रहेगा तो मैं पोस्ट बना के अपलोड जरूर करूँगी, बिफोर 1 मंथ, बिफोर 15 डेज, तो आपको पता चल जाएगा। सो आप टेंशन मत लो, देन इसको कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे से। हाँ स्मॉल स्मॉल यहाँ पे लीव्स बनानी है, एकदम स्मॉल स्मॉल, ओनली वन स्टॉक। वन वन फिंगर का गैपिंग रख के आपको लीव्स क्रिएट करनी है। जिन्होंने भी लाइव सेशन मिस कर दिया है 15 डेज का, तो आप टेंशन मत लो, 15 डेज में अनाउंस करूँगी, 15 डेज का लाइव सेशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इतना कंप्लीट, अब नेक्स्ट स्टेप। सो वो सरप्राइज है, बाद में आपको वीडियो कैसे मिलेगा वो, उसके लिए आपको 3 दिन अभी कंटिन्यू लाइव सेशन ज्वाइन करना होगा, 13, 14, 15 डेज। हो सकता है मैं बीच में कुछ बता दूँ। वो सरप्राइज है, देन यहाँ से हम एक स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। देन एक अपोजिट स्पाइरल
राइट देन लेफ्ट, पेटल्स ड्रॉ करनी है। देन लीव्स, स्मॉल लीव्स, स्पाइरल, सॉरी स्कैलप, डबल लाइन, देन बोल्ड बॉर्डर, देन सिंगल लाइन, डबल लाइन, स्कैलप, पेटल्स, डबल स्केलअप, देन स्पाइरल, डॉट 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 ल्यू डॉट, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट किया है बॉर्डर, ये वाली डिजाइन वापस अपोजिट, स्कैलप, स्कैलप,
देन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले जो फ्लावर्स है, वो वापस यहाँ पे अपोजिट करने हैं स्पाइरल, देन स्केलप, इस तरीके से बहुत यूनिक डिज़ाइन है ये। यस, बहुत ही यूनिक है। और इसका जो वीडियो है वो आज IGTV पे शेयर नहीं होगा, ये भी है। ये वाला अपोजिट, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई। थैंक यू। देन यहाँ से स्टार्टअप करना है लास्ट फिंगर का, डाउन साइड से। क्यों मैम शेयर नहीं होगा? होगा, जस्ट 10-15 मिनट्स। देन यहाँ पे लाल में मम्मी भी सीख रहे हैं क्लास में, तो मम्मी नहीं आ पाते सबके। आपने बोला कल के स्टोरी में, हाँ कुछ लोगों का कुछ मिस हो गया था, सो वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। 13 एंड 14 डे का जो सेशन रहेगा, वो सेशन में हम जो भी डिज़ाइन सीखने वाले हैं, उस डिज़ाइन को आपको स्टोरी में मेंशन नहीं करना है, उस डिज़ाइन को स्टोरी में मेंशन नहीं करना है। जो डिज़ाइन आपको मेंशन करनी है वो ये है कि बिफोर जॉइनिंग माय लाइव सेशन, मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करने से पहले आपका जो वर्क था, देन 15 डेज मतलब 13 डेज तक जो आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी आपने वर्क किया है, जो सीखा है, बिफोर एंड आफ्टर के पिक के साथ आपको स्टोरी में मेंशन करना है। दोनों दिन आप दोनों दिन अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। हमने 13 डे में बहुत सारी डिज़ाइन की है, तो आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि किसी ने एक दिन किया है, किसी ने दो दिन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंपलसरी 2 डेज करना है। थर्टीन एंड फोर्टीन, सो विनर हम 15 को अनाउंस करेंगे। इसके ही बेस पे हम ये भी देखेंगे
किसने कंटिन्यूस 15 डे तक स्टोरी मेंशन की है, और स्टोरी मेंशन की है उसके बाद स्टार्टिंग से लेके 15 डेज तक उनके वर्क में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी हम देखेंगे। सो ये भी मेन चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपने स्टोरी मेंशन कर दी है वो, बट आपका वर्क भी डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा, आपके वर्क में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आफ्टर जॉइनिंग माई लाइव सेशन। सो वही आपको बताना है बिफोर एंड आफ्टर के पिक के साथ। थर्टीन और 14 डेज की मैं सारी स्टोरी देखूंगी। सो जिनका अभी तक नहीं देखा है तो उसका ऐसा कोई इशू नहीं है, हम फर्स्ट डे से नोट आउट कर ही रहे सारे सारे नेम सारी स्टोरीज। जयना मेन जी, मेरी फिनिशिंग वर्क में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, थैंक यू। सो अगेन स्पाइरल देन स्केलअप देन पेटल्स, सारी डिज़ाइन को एक साथ मिक्सअप नहीं करना है। जिनकी लीव्स नहीं आती है तो लीव्स के ऊपर मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, सारे टाइप्स की लीव्स मैंने बताई है। सो एवरीवन सी माय यूट्यूब वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। आओ मैम आज साबूदाना खिचड़ी बनाई है मेरे को बहुत पसंद है साबूदाना खिचड़ी। और सबसे मेन बात, मुझे आपके सेशन से पहले कौन बनाना नहीं आता था, अब वो भी मुझे आ गया है। यू आर लकी फॉर मी, थैंक यू। मैम सुनो। हाँ जी बोलिए। मेरी मॉम की मोस्ट फेवरेट, थैंक यू। मैंने लीव्स आपसे सीखी, नाइस। फाइनली आपने मेरा एक मैसेज रीड किया, यस।
मैडम, आप मेहंदी बहुत अच्छी सिखाते हैं, थैंक यू। छोले भटूरे खाने के लिए जरूर आना, श्योर। ये डिजाइन बैक एंड फ्रंट आप बहुत साइड यूज कर सकते हो, बट बैक साइड इसका लुक सबसे बेस्ट लगने वाला है, तो आप बैक में यूज करना इसको। मैम यू आर ग्रेट, आपके पास पेशेंस बहुत है। यस, मेहंदी आर्टिस्ट को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये सेंटर पोर्शन जो है वो एम्प्टी ही रखना है, ये इस डिज़ाइन की खासियत है। सो अभी इसका फाइनल लुक देखते हैं।